गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। एज यू नो, अर्थ इज मेड अप ऑफ लार्ज लैंड मासेस दैट इज नोन एज कॉन्टिनेंट एंड वाटर बॉडीज इज नोन एज ओशियंस एंड सी एंड आइलैंड ऑल्सो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसके अंदर बहुत सारे ज्योग्राफिकल प्लेसेस हैं जिसको हम नहीं देख सकते। तो उसके लिए जो ज्योग्राफर्स थे उन्होंने एक ग्लोब बनाया। ग्लोब जो है वो अर्थ का ही एक मॉडल है जिसके ऊपर हम पूरे वर्ल्ड को एग्जामिन कर सकते हैं। जो ग्लोब है उसके ऊपर कुछ लाइंस लगी होती हैं, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको लैटिट्यूड कहा जाता है और जो वर्टिकल लाइंस लगी हुई हैं उनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको लैटिट्यूड के बारे में क्लियर करूंगी कि लैटिट्यूड क्या होता है। जो लैटिट्यूड होता है वो एक इमेजिनरी सर्कल होता है जो ईस्ट से वेस्ट में रन करता है। देखिए, द लाइन ऑफ लैटिट्यूड आर इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एज पैरेलल ऑन द ग्लोब। जो लाइन ऑफ लैटिट्यूड है वो एक स्ट्रेट लाइन्स हैं जो ईस्ट से वेस्ट में जाती हैं ग्लोब पर, पैरेलल है वो ग्लोब के। द जीरो डिग्री लैटिट्यूड ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज इक्वेटर। जो इक्वेटर है ये हमारा अर्थ का जो ग्लोब के ऊपर जो है सेंटर पार्ट है जो हमारी अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। अपर पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर पार्ट इज सदर्न हेमिस्फीयर। देखिए, इट रन्स अक्रॉस द ग्लोब डिवाइडिंग द अर्थ इनटू टू हाफ्स नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। जो लैटिट्यूड्स हैं वो हमारे फाइव इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। देखिए, देयर आर फाइव इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द आर्कटिक सर्कल एंड द अंटार्कटिक सर्कल। ये हमारे पांच इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड द अंटार्कटिक सर्कल। चलिए मैं आपको एक डायग्राम से इसको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अवर ग्लोब को देखो। अपर पार्ट ये हमारा नॉर्थ, ये देखिए क्या था, ये ग्लोब है। ग्लोब के ऊपर वाला एरिया जो है नॉर्थ, नीचे हमारा साउथ, इस साइड हमारा ईस्ट है और इधर हमारा वेस्ट है। जो ये हमारे ईस्ट से वेस्ट में जो लाइंस जाती हैं वो लैटिट्यूड वाली लाइंस होती हैं, और जो ये हमारा जीरो डिग्री पर लाइक करता है ये इक्वेटर है। इक्वेटर से ऊपर ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इक्वेटर आगे ये हमारा आर्कटिक सर्कल है और नीचे अंटार्कटिक सर्कल है। जो इक्वेटर है जीरो डिग्री पर लाई करता है, उसके बाद जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23:1/2 डिग्री नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23:1/2 साउथ। आर्कटिक सर्कल जो है 66:1/2 नॉर्थ एंड द अंटार्कटिक सर्कल 66:1/2 डिग्री साउथ पे लाई करता है। इक्वेटर ने हमारी अर्थ को टू पार्ट में डिवाइड किया। अपर पार्ट को बोला गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्योंकि ये नॉर्थ का एरिया है, नॉर्थ है तभी इसको नॉर्दर्न का नेम दिया गया, और लोअर पार्ट को साउथ सदर्न हेमिस्फीयर बोला गया क्योंकि ये हमारा साउथ है, नीचे हमारा साउथ है। इसीलिए जो ये हमारे फाइव इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। इतने में ही आपको लैटिट्यूड क्लियर हो गया होगा। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे लैटिट्यूड, और कल मैं आपको लॉन्गिट्यूड के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। सो स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड लर्न इट। थैंक यू।